तो देखिए, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले अब बयानों की सियासत तेज हो गई है। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच का ये चुनाव है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है। मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों तक सिर्फ समस्याएं पैदा की और इन सभी समस्याओं का समाधान बीजेपी के ही पास है। वहीं उषा ठाकुर के इस बयान पर पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस देशभक्त है, बीजेपी देशद्रोही है। कोई संदेह नहीं इसमें, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। किस तरह देशद्रोही और राष्ट्रभक्त? 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है। कोई चलिए और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही योगेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपके पास ही मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। सर, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसमें देशभक्ति और देशद्रोही की बात लाने की क्या जरूरत है? स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दीजिए ना। देखिए जय जी, यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आधार पर कोई चुनाव होता है तो स्थानीय विषय के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक दलों का चरित्र, व्यवहार, आचरण, कार्य पद्धति के परिणाम और आगे भविष्य की योजनाओं पर जरूर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि आज यदि नगरीय निकाय के चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिसको जनता का बहुमत मिलता है तो ऐसी आशा की जाती है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी उनको जनता समर्थन देती है जी। तो विषय है कि जिस पार्टी की रीति नीति यदि देश हित की नहीं हो, और देश हित के कई व्यापक बिंदु है, देशद्रोह को बहुत व्यापकता से मंत्री उषा ठाकुर जी ने परिभाषित किया कि उनका क्या आशय है, तो उन व्यापक बिंदुओं में यदि कहीं भी ऐसा लगता हो कि कांग्रेस पार्टी देश हित के कार्य में संलग्न नहीं है तो फिर हमारा आग्रह होता है कि जनता जनार्दन नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर जहां चुनाव चिन्ह के आधार पर वहीं पर कांग्रेस पार्टी को पक्ष पर परास्त करे, ये आशय, ये भाव है। और बहुत कई सारे बिंदु रखे जिनके बिंदु के आधार पर लगता है कि देश के साथ कांग्रेस पार्टी न्याय नहीं कर पाई, और इसलिए लगातार 2014 से देश भर में करीब 40 चुनाव हुए और कांग्रेस 36 बड़े चुनाव उसमें से हारी है जी। कई जगह उपचुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी हारती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 2003 से नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में 16 नगर निगम है, 16 की 16 भारतीय जनता पार्टी के पास में, 98 नगर पालिकाएं हैं, लगभग 75 से 80 नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के पास में। तो इस बात का परिचायक और प्रमाण है कि जनता जनार्दन यद्यपि स्थानीय विषयों का चुनाव है पर स्थानीय विषयों के साथ साथ इस बात को प्राथमिकता देती है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, कौन से वो बिंदु है जो भारतीय जनता पार्टी तो की इससे सर ये क्या पैमाना माना जाए, ये क्या आधार माना जाए, इससे तय हो जाता है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है? नहीं देखिए जय जी, पैमाने, आधार, मानदंड, मापदंड बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम चुनाव में जब जा रहे हैं तो जो हमारा प्रतिपक्ष है उसकी जो भी कमजोरियां हैं, ये हमारा नैतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का दायित्व तो है कि जनता के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाए, उनको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, मानना ना मानना जनता जनार्दन के ऊपर है, पर हम हमारा जो पक्ष रखना चाहते हैं कांग्रेस के प्रति वो उस पक्ष को रखते हैं। सिर्फ जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रमाण के साथ बात कह रही है उसके ऊपर कितनी मोहर लगाई जाए या कितना ईवीएम पे बटन दबाया जाए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, पंकज जी ने जो सवाल खड़े किए उसका भी जवाब दीजिए, इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्यों हमेशा कांग्रेस के 65 साल और 70 सालों का हिसाब बीजेपी मांगती है, क्यों आखिर ये बातें उठती हैं? देखिए पंकज जी की बात का तो यह जवाब है कि वो तो सिर्फ बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और चुनाव को चौसर की चाल की तरह जीत और हार की बात कर रहे थे। उनका तो देशभक्ति और देशद्रोह से तो इतर तवाल जवाब था, उसके कोई माने नहीं, बेमानी जवाब दिया उन्होंने। दूसरी बात, देशभक्ति और देशद्रोही की जो परिभाषा भाई पीसी शर्मा जी ने दी है ये तो जनता बताएगी कौन देशद्रोह कर रहा है, कौन देशभक्ति कर रहा है। 2014 के बाद इस देश के क्या हालात हुए, क्या देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता है कि एक राफेल का बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए और उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो। लेकिन फिर भी तो जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है ना, यही तो पंकज जी कह रहे हैं। अब मेरी बात, मैंने क्या कहा आपसे, मेरी बात हो जाइए। पंकज जी ने उसको चुनाव के बूट तो किया, मैं आपसे तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का 65 से 70 साल का हिसाब दे रहा हूँ। आज देश भारत माता को भारत माता बने रहने की
के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस ने समर्पण किया है वो तो विश्व जाहिर है, जब जाहिर है कि कांग्रेस ने देश को कैसा चलाया। और यदि देश भक्ति इसी को कहते हैं कि आज हमारा पंडित काश्मीरी वहां से पलायनवादी हो गया है, तो क्या काश्मीर का समाधान नहीं है? काश्मीर का आपने हल कर दिया, आपने इसी कौन सी समस्या हल कर दी? क्या देशद्रोह की परिभाषा के अंतर्गत ये नहीं आना चाहिए कि देश के अंदर महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ता, भ्रष्टाचार, ये क्या देशद्रोह के अंतर्गत नहीं कहा जाता है? कौन सी देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं? देशभक्ति की बात यह है कि धर्म के नाम पर। ठीक है सर, लेकिन पंचायत निकाय चुनाव में आम जनता से जुड़े, पानी से जुड़े, बाकी स्थानीय मुद्दे उठाए जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल धन्यवाद आपका पंकज चतुर्वेदी जी, इसके साथ ही योगेश यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए, बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव सर पर है और ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है बयानों की। देशभक्त और देशद्रोही का बयान इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है, देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच का ये चुनाव है ये कहना है। लेकिन अब भी जनता उम्मीद कर रही है कि जो परेशानियां हैं उन्हें, चाहे पानी की समस्या को लेकर हो या स्थानीय मुद्दों को लेकर, उनका हल जरूर निकलना चाहिए। कोई संदेह नहीं इसमें, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। किस तरह देशद्रोही 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है। उषा ठाकुर ने कहा है कि ये चुनाव जो है नगरी निकाय देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच में है, तो बोल ठीक कहा उसने। देशभक्त तो कांग्रेस है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने के लिए 12 साल जेल में रहे, उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, देशभक्त कौन हुआ? कांग्रेस। और देशद्रोही कौन हुए? ये एक भी RSS BJP का कोई नेता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो? नहीं है। तो देशभक्त कांग्रेस हुई और इसीलिए देशभक्त कांग्रेस देशद्रोही BJP के चुनाव है और इसलिए देशभक्त जीतेंगे। वो कह रहा है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं कांग्रेस, पर देश की जनता नहीं मानती ना कि कांग्रेस देशभक्त है। कांग्रेस देशभक्त कहाँ से हो गई? वहाँ तो जो कुछ है सब विदेश का ही माल है, देश का तो कुछ है ही नहीं है, तो देशभक्त कहाँ से हो गई? कांग्रेस का देशभक्ति से कोई संबंध है ही नहीं है। और जनता ने बता दिया कि देशभक्त कौन है, मोदी जी हैं कि कांग्रेस हैं, ये बता दिया। विपक्ष की पार्टी लायक भी नहीं बची देश में कांग्रेस पार्टी, और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की जो